दोस्तों गूगल पे इज़ ए क्विक इजी एंड सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट मेथड। तो गूगल पे इस्तेमाल करके आप किसी के भी बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, घर का बिजली का बिल आप दे सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप गूगल पे इस्तेमाल करके कर सकते हैं। और यहाँ पर सबका जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि गूगल पे करने के लिए आपको यहाँ पर KYC करने का ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत है। वेरी सिंपल है, जस्ट आपके पास एक मोबाइल नंबर रहना चाहिए और आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, बस इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को नया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल JPTech न्यूज़। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस गूगल पे एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है और आप देख सकते हैं कितना पॉपुलर एप्लीकेशन है। ऑलरेडी 9 मिलियन उसका रेटिंग है और 500 मिलियन लोगों ने उसे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है और जस्ट 22 MB का ये एप्लीकेशन है। और जैसे आप उसे डाउनलोड करके फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिख जाएगा और अभी कुछ परमिशन आपको अलाउ कर देना है। और अभी इस बॉक्स में आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, लेकिन फ़ोन नंबर डालने से पहले आपको याद रखना है कि इस गूगल पे अकाउंट के साथ आपको एक बैंक अकाउंट लिंक करना होगा। और जिस बैंक अकाउंट आप इस गूगल पे अकाउंट के साथ लिंक करेंगे तो उसी बैंक अकाउंट में जिस फ़ोन नंबर आपका रजिस्टर्ड या लिंक है तो सेम फ़ोन नंबर से इस गूगल पे अकाउंट भी आपको वेरीफाई करना होगा। दैट मीन्स गूगल पे अकाउंट और बैंक अकाउंट में सेम नंबर ही रहना होगा। और अभी यहाँ पर दिख जाएगा आपका मोबाइल में अवेलेबल ईमेल आईडी और इसके ठीक नीचे आपको दिख जाएगा आपका एंटर किया हुआ फ़ोन नंबर। और यहाँ पर अगर आप चाहे तो आपका ईमेल आईडी इस ऑप्शन में जाके चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहते हैं देन एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। और अभी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आपको मिल जाएगा जो कि इस तरह से ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। और अभी आपके सामने खुल कर आएगा इस तरह का एक इंटरफेस। और अभी इस गूगल पे अकाउंट के साथ आपको एक बैंक अकाउंट लिंक करना है जो कि आपके लिए मैंडेटरी है। और आप जब गूगल पे अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करेंगे दैट मीन्स इस गूगल पे अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ बैंक अकाउंट से ही पैसा आपका ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए आप देख सकते हैं ऑप्शन ऐड ए बैंक अकाउंट, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और अभी आपके सामने इस तरह से एक पेज खुल कर आएगा जहाँ पर इस तरह के सारे बैंक का लिस्ट आपको दिख जाएगा। और अभी यहाँ पर आप आपका बैंक अकाउंट चूज़ करेंगे और यहाँ पर फिर से आपको याद रखना है कि जिस बैंक अकाउंट में आपका फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड या लिंक है तो उसी बैंक अकाउंट यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। और अगर इस लिस्ट पर आपका बैंक अकाउंट आपको नहीं दिखता है तो ऊपर में जो सर्च बार दिखाई दे रहा है तो इसमें सिंपली आपका बैंक का नाम आपको टाइप करना है। तो हमें अभी ऐड करना है पंजाब नेशनल बैंक, तो आप यहाँ पर आपका बैंक चूज़ करेंगे देन कंटिन्यू। और अभी यहाँ पर इस तरह से ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और हो सकते हैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम भी लग सकते जो कि आपका नेटवर्क का स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करेगा। और मैक्सिमम कुछ सेकंड के अंदर आपका गूगल पे अकाउंट के साथ इस तरह से आपका बैंक अकाउंट सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा। और अभी इस लोगो पे क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा आपका ईमेल आईडी एंड फोन नंबर और इसके ठीक नीचे दिख जाएगा आपको बैंक अकाउंट और इसमें क्लिक करते ही लिंक किया हुआ बैंक अकाउंट यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो अभी ये गूगल पे अकाउंट इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए मिलते हैं आपसे और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।